तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हो, माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि बात करें, आपसे में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बीएड में एडमिशन लिए होंगे अपने फर्स्ट ईयर में। तो गाइज, उनको पता नहीं होगा कि किस तरह के बुक्स मुझे लेना है। सर, मुझे पता नहीं कौन किस पब्लिकेशन के बुक लेना है। तो ये सारे डाउट्स आपको भी अगर हो रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए, आपको दिख पा रहे हैं गाइज, मैं आप सभी के लिए कुछ बुक्स लेकर के आ गया हूँ। गाइज, कौन कौन से आपके लिए सारे बुक्स है, आपको कौन से बुक्स लेने चाहिए अगर आप भी बीएड फर्स्ट ईयर में, अगर अभी बीएड कर रहे हो तो अब बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो गाइस, ये मैटर नहीं करता। आपको मैं सिलेबस आज के स्टूडियो में बता दे रहा हूँ गाइस, आपको जो अगर ये सिलेबस है अगर आपकी यूनिवर्सिटी का, तो ये सारे बुक्स आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए आपको कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, आपको किस बुक से पढ़िएगा तो आपको फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा मार्क्स आ पाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो सारी जानकारी जानने के लिए आपको आज का वीडियो सोशल करना जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब बात करें, अगर आप मौलाना मजरूअल हक अरेबियन यूनिवर्सिटी से हैं या आप मान लीजिए किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके सिलेबस में ये सारे बुक्स हैं, मान लीजिए आपको अगर पार्ट वन में पढ़नी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो फ्रेंड्स अगर आपके सिलेबस में पार्ट वन में पढ़नी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और अगर पार्ट टू में आपको पढ़नी है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको पार्ट थ्री में सपोज पढ़नी हो लर्निंग एंड टीचिंग, और पार्ट फोर में अगर आपको पढ़नी हो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और आपको मान लीजिए पार्ट फाइव में पढ़नी हो अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, और फ्रेंड्स आपको पेपर सिक्स में पढ़नी हो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये सारे बुक्स की बात करें, बहुत सारे अगर आप भी किसी कॉलेज से कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि अगर अभी बीएड फर्स्ट ईयर में को कौन से बुक्स ले, आपकी कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि तो इसलिए मैं आपको आज का वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज के वीडियो आपके लिए मैं बहुत सारी बुक्स ले आया हूँ A to Z, आपके जो भी बीएड फर्स्ट ईयर सारे बुक्स है वो सारे बुक्स के बारे में मैं A to Z जानकारी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि देख पा रहे हो गाइस, ये सारे जो आपके पेपर्स हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री का जो एग्ज़ाम होगा, पेपर फोर का जो एग्ज़ाम होगा, पेपर फाइव का जो एग्ज़ाम होगा, पेपर सिक्स का जो सिक्स पेपर का जो एग्ज़ाम होता है आपके अपने बीएड फर्स्ट ईयर का, आपके अपने मौलाना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़, आपके भी छः पेपर के अगर आपके टॉपिक्स यही है तो ये वीडियो आपके लिए गाइस, सब देख पा रहे होगा, यही बुक आपके लिए बहुत ही मस्त रहेगा गाइस। ये बुक सब पढ़िएगा, बहुत ही 110% मार्क्स स्कोर कर पाएगा अपने एग्जाम्स में। जिसके अगर देख पा रही हूँ मैं बात करूँ एक बुक्स का, तो ये पब्लिकेशन विकास पब्लिकेशन का बुक है, देख पा रहे हैं, जो कि आपको लिखा रहेगा बीएड, जो कि गाइड भी है और उसके साथ साथ गेस्ट भी है, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों अवेलेबल है। आपको हिंदी मीडियम लेगा थोड़ा सस्ता पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम लेगा थोड़ा महंगा पड़ सकता है। और देख पर उस तरह पेपर वन आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर लोगो रहता है विकास प्रकाशन का। और पीछे की अगर बात करूँ तो देख पा रहे हो ये बीएड के बहुत सारे बुक्स, जितने बुक्स आते हैं वो सारे बुक्स पीछे भी गिवेन हैं। और देख पा रहे हो तो आपको बात करें आखिर ये बुक्स होता कैसा है, तो देख पा रहे हो ऊपर लिखा रहेगा विकास बीएड गाइड एंड केस फॉर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इंग्लिश मीडियम में, आप लोग हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है ना। पेपर वन देख पा रहे हो एडिटेड बाई, और ये विकास पब्लिकेशन का है। अब बात करूँ प्राइस के बारे में, तो प्राइस आपको यहाँ लिखा है 240, ठीक है, जो कि 240 रुपये प्राइस है। आप देख पा रहे हो प्राइस पढ़ने को आपको मिल जा रही है, ये प्राइस बुक की है प्रिंटेड, और इस तरह से बुक स्टार्ट होता है। देख पा रहे हैं शुरू में कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा, आपकी जैसे पेपर वन हुआ ना ये, तो इसमें जितने सारे कंटेंट्स पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हो डेप्थ में है, हर एक टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन, बहुत सारे गाइड, यानी पूरा गाइड ही से भरा हुआ है। देख पा रहे हैं पूरा अच्छे से कवर किया गया है पेपर वन को, इस तरह से आप इस पेपर वन को पढ़ सकते हैं। देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड, हर एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है इस गाइड में। तो ये पेपर वन में आपको इस तरह का गाइड देखने को मिल रहा है। उसी तरह से बात करूँ पेपर टू के बारे में, तो आप देख पा रहे हो जो पेपर टू इंग्लिश मीडियम, ये भी विकास पब्लिकेशन का गाइड है, कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एंड एजुकेशन का, देख पा रहे हो। जो कि बारे में बात करें तो देख पा रहे हो इंग्लिश मीडियम, जिसकी भी प्राइस 240 रुपये MRP प्राइस है। आपके यहाँ पे कंटेंट से शुरू होगा, जिसमें हर एक अच्छे से डिटेल में आपको सारा ये जो चैप्टर्स टॉपिक्स होते हैं इसमें पढ़ाया गया है, ठीक है, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, जो कि अवेलेबल मार्केट में है।
अब बात करें आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ठीक है, कुछ प्रोविकेशन का आपको चाहिए तो हमारे व्यू कम से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। विकास बीट गाइड एंड गेस्ट एक पर इंग्लिश मीडियम के ये पेपर आपके थ्री पहले पेपर थ्री आपको मैं बताऊंगा। तो गाइस ये देख पा रहे हो पेपर थ्री का आपका है ये विकास बीएड गाइड एंड गेस्ट का, ये लर्निंग एंड टीचिंग्स, ठीक है। इसका बारे में प्राइस अगर मैं बात करूँ तो ये 240 रुपीज़ का है कंटेंट्स जो कि यहाँ पे गिवन आपको जो पढ़नी है इस पेपर में। गाइस बहुत इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है पेपर थ्री। अब बात करें तो आप देख पा रहे हो ये आपकी पेपर फोर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विकास बीएड गाइड एंड गेस्ट देख पा रहे हो, जो कि बात करें प्राइस के बारे में तो 240 रुपये का है बुक। तो भी आपके लिए बहुत ही दमदार इस तरह के बुक्स लेना सही रहेगा अगर इसी सिलेबस आपका है। पेपर फाइव देख पर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स पेपर फाइव में आपको ये पढ़ना है बीएड के गाइड एंड गेस्ट इंग्लिश मीडियम देख पा रहे हो, आपको ये 240 रुपीज़ की आ जाएगी। कंटेंट्स गिवन है इस तरह के बुक है ये, मैं थोड़ी बुक की आपको रिव्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस तरह के देखिए बुक्स हैं, ये आपका हो गया पेपर फाइव। अब बात करिए पेपर सिक्स के बारे में, तो देख पा रहे हो छठा पेपर जो हम सभी को पढ़ना है बीएड में, आप पढ़िएगा फर्स्ट ईयर में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन एजुकेशन जो कि विकास पब्लिकेशन बुक पेपर सिक्स यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। और यहाँ पे गाइड एंड गेस इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में आप बुक्स अवेलेबल है, गाइड गेस के अवेलेबल आप ले सकते हैं। देख पा रहे हैं विकास गाइड एंड गेस जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इंग्लिश मीडियम पेपर सिक्स, तो ये सारी चीज़ आपको देख के बस खरीदनी होगी। प्राइस 240 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आपको ये बुक बीएड की कुछ इस तरह की बुक्स है जो कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ, विकास बीएड गाइड एंड गेस जो कि अच्छा बुक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ छः पेपर थे जो कि पढ़ना पड़ता है जनरली बीएड फर्स्ट ईयर्स में, जो कि मैंने आपको आज के वीडियो में पहला बताया। देख पा रहे ये छः पेपर्स की बुक्स है जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से आप देख पा रहे हो, वीडियो आपको देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा आप कुछ इपिक सब्जेक्ट्स भी होता है, चलो मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर बात करें इपिक ईपिक जो सब्जेक्ट होता है वन, उसमें आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट के बारे में पढ़ना है, चूँकि गाइस देख पा रहे हो ये विकास पर प्रकाशन का है बीएड गाइड एंड गेस इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, आपको लोगों देखने को मिल जाता है। और बात करें देख पा रहे हो जय माता दी एडिटेड बाय इंग्लिश मीडियम, और देख पा रहे हो जो कि प्राइस 240 रुपये लिखा हुआ है, 240 का प्रिंट है। कंटेंट्स देख पा रहे हो ये सारे कंटेंट्स है जो कि पैक विकास रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट आपको पढ़ना है, ये सारे आपका सिलेबस है। देख पा रहे गाइस ये सिलेबस आपका बीआरबीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, कोर्स वन कोर्स 10 तक देख पा रहे हो, इपिक वन इपिक टू इपिक थ्री। अगला आप देख पाइएगा यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ विकास बीएड गाइड एंड गेस, ये आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का जो कि आपको कवर से ही देखने को पता चल पा रहा है। अभी गाइस बात करें सिलेबस तो पीछे की फिर आप देख पा रहे यही सिलेबस है आपका कोर्स इपिक वन इपिक टू इपिक थ्री में आपको तीनों पढ़ना है, मैंने दो दिखा दिया तीन ऊपर ही मैंने आपको सारा बुक्स का दिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है। हो गया इपिक टू देख पा रहे हो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इसके बाद आपका सिर्फ बचेगा इपिक थ्री, ठीक है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ये भी विकास पब्लिकेशन के बुक है। देख पा रहे ऊपर विकास पब्लिकेशन का नाम देखने को मिलता है, पेपर इपिक टू ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है विकास प्रकाशन की बुक्स है, दाम 200 रुपये है प्राइस, देख पा रहे हो इस तरह के बुक है कंटेंट्स, देख पा रहे हो कुछ तरह कंटेंट देखने को मिलते हैं और इस तरह के बुक देख पा रहे हो, पूरा आर्ट के बारे में समझाया गया बताया गया है। चलिए ये थी आपकी इपिक टू। अब लास्ट जो हमारा आखिरी बुक है बीएड फर्स्ट ईयर का वो बुक है इपिक थ्री, क्योंकि गाइस ये बिहार के सारी यूनिवर्सिटीज़ में जनरली ये बुक चलती हैं, क्योंकि सिलेबस बीएड के देखो सिलेबस बहुत पुरानी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इपिक थ्री क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी पढ़ना है आपको जो कि विकास बीएड गाइड एंड गेस इंग्लिश मीडियम देख पा रहे हो, इसकी दाम बात करें तो प्राइस 300 रुपीज़ इसकी बुक की है। कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर बारे में आपको पढ़नी है इस बुक में देख पा रहे हो। तो ये थी आपकी पिक थ्री आईसीटी के बारे में जानकारी और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग सभी का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो किया वो हमें लेना पड़ता है खुद से, वो लीजिएगा तो फिर वो बुक आप खरीद पाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स ये थे कुछ बुक्स आज की बुक जो कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर के बुक्स हैं, तो फ्रेंड्स आप भी चाहो तो सारे बुक्स को आप ले सकते हैं जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में आपके सभी के साथ डिटेल शेयर की। तो ये था आज का वीडियो, किन्हीं को डाउट हो तो हमें वीडियो की कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।